उत्तर भारत का प्रसिद्ध माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में अनियमितताएं और मंदिर प्रवेश द्वार पर लगे धर्म ध्वजे को लेकर हिंदू जागरण मंच ने मंदिर प्रवेश द्वार पर हल्ला बोल दिया है। हिंदू जागरण मंच पिछले लंबे समय से मंदिर में चल रही अनियमितताओं और मंदिर प्रवेश द्वार के बीच लगे ध्वजे पोल को हटाने की मांग कर रहा है। पिछली बार मंच को प्रशासन और स्थानीय विधायक ने आश्वासन दिया था। आश्वासन के बाद मंच ने धरना बंद कर दिया था, मगर मंच अभी तक आश्वासन के अनुरूप कार्यवाही ना होने के चलते वीरवार को फिर से धरने पर बैठ गया है। मंच का आरोप है कि उन्हें मिले आश्वासन के बावजूद ना तो मंदिर प्रवेश द्वार से झंडे के पोल को हटाया गया है और ना ही अनियमितताएं बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में लाई गई। मंच ने मांग की है कि अगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो आगामी समय में आंदोलन उग्र होगा।